अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टेड वीडियो। दिस इज़ मी अज़ान शीद फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है। सो भाई, बड़े भाई पूछ रहे थे PTE और आइट्स के बारे में, तो उसके बारे में आपको आज के टॉपिक में उसके बारे में डिस्कस होगी। PTE और आइट्स, आपको ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, UK जाने के लिए, कैनेडा जाने के लिए PTE करनी चाहिए कि आइट्स करनी चाहिए, तो वो सब कुछ आज हम बताएंगे आपको। तो ईजी कौन सा होता है ये भी बताएंगे, PTE आइट्स। तो बिना किसी ध्यान चढ़े या फिर ज़्यादा टाइम लिया अपना जो भी लोग हैं वो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी भाई, तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे PTE की, तो PTE में ये होता है कि उसमें आपको कंप्यूटराइज टेस्ट देना पड़ता है। मतलब कि आपको अपनी प्रिपरेशन करें, आप ऐप से प्रिपरेशन करें, आप कोई अकेडमी ज्वाइन कर लें, अब वो आप पे डिपेंड करता है। तो मेरी तो ये सलाह, आपको कोई अकेडमी ज्वाइन कर लें तो बेस्ट होगा। तो उसमें PTE में होते हैं 4 मॉड्यूल, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग, 4 मॉड्यूल होते हैं। तो इन चारों मॉड्यूलों के लिए आपको वक्त मिलता है 2 घंटे में, 2 घंटे का टेस्ट होता है ये। तो पोर्शन वाइज टेस्ट होते हैं, जैसे स्पीकिंग का टेस्ट हो गया, वो एक ही दिन में सारे टेस्ट हो जाते हैं। तो उसमें स्पीकिंग में होता है रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब इमेज, क्वेश्चन आंसर, तो और एक और होता है, मुझे उसका नाम भूल गया। उसके बाद राइटिंग में 2 और मॉड्यूल आ जाते हैं, ऐसे लिखना होता है और एक समरी लिखनी होती है, ठीक है, समराइज स्पोकन टेक्स्ट पता नहीं, रिटन टेक्स्ट, उसमें समराइज रिटन टेक्स्ट। उसके बाद आ जाता है रीडिंग में जो होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। रीडिंग वाला पोर्शन सबको ही डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे भी डिफ़िकल्ट लगा था, मैंने PTE की है ये पहले बता दूँ। तो रीडिंग वाला पोर्शन सबको ही मुश्किल लगता है, लेकिन वो निकल जाता है, हो जाता है आपका। तो रीडिंग का मुझे याद नहीं है, उसमें MCQs ही होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स ही होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक रीडिंग या राइटिंग, फिलिंग द ब्लैंक, और उसके बाद मैच होता है। और लिसनिंग में भी आप करेंगे जब तैयारी, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसकी आप तैयारी कहाँ से करें, तो कौन सी ऐप बेस्ट है PTE के लिए? तो PTE के लिए ऐप यूमी एक है, मैंने उससे तैयारी की, तो मैं भी आपको वही रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट PTE ऐप से ही तैयारी करते हैं अपनी, ठीक हो गया। तो वो PTE ऐप से अपनी ऐप यूनी से अपनी तैयारी करते हैं। ऐप यूनी के आप परचेज़ कर लें, आप हफ्ते के लिए, महीने के लिए कर लें, 2 महीनों के लिए कर लें, 60 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 120 दिन के लिए, वो आप डिपेंड करता है जितने दिन आपको लगता है कि हमें तैयारी करनी है। तो मेरे तजुर्बे से, मेरे अंदाजे के हिसाब से आप 1-1.5 महीने में आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक हो गया। उसके बाद PTE हो गया का जो टेस्ट है, तो ये टेस्ट इजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, आप इजीली ही पास कर सकते हैं। अगर आपकी 6 बैंड की रिक्वायरमेंट, तो आप फर्स्ट अटैम्प में इजीली 6 बैंड हासिल, इजीली 50-45 से प्लस ले सकते हैं। तो अगर आपकी कॉन्फिडेंस एफ्लुएंसी अच्छी है, तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कई भाइयों ने 8-8 भी लिए हुए हैं फर्स्ट अटैम्प में, मेरे फर्स्ट अटैम्प में 6 आए थे। तो ये हो गया, तो इसके लिए आपको टेस्ट बुक करवाना पड़ता है। तो टेस्ट बुक हाँ करवा के, तो आप अपना टेस्ट की तैयारी करें, जब आप टेस्ट आए तो आप अपना जाके टेस्ट दें। ये हो गया PTE। तो PTE कौन कौन से कंट्रीज़ में चल जाती है? तो PTE ऑस्ट्रेलिया में चल जाती है, ये कनाडा में भी अभी शायद कई यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करने लग पड़ी हैं, लेकिन नहीं, उधर आइट्स चलती है। और अगर आप UK जाना चाहते हैं फिर भी आप आइट्स करें, ठीक हो गया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो फिर आप PTE ही करें, क्योंकि PTE आइट्स की नस्बत बहुत ही ईजी होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप के UK जाना है तो आप PTE कर लें, भाई नहीं, UK जाना है तो आपको आइट्स करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। ये था PTE का प्रोसेस। तो अब बात करते हैं आइट्स की। हाँ, तो भाई आइट्स का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा लंबा चला जाता है, वो थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप आइट्स करें, आपके आइट्स में भी अच्छे बैंड आते हैं, कई भाई लेते भी हैं 7-7 बैंड, 8-8 बैंड, 6-6 बैंड आइट्स में। तो आइट्स का प्रोसेस थोड़ा सा PTE से डिफरेंट होता है, उसमें यही 4 मॉड्यूल हैं, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोसेस उसका डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि PTE में आप 2 घंटे का टेस्ट होता है और 1 दिन में ही हो जाता है, और PTE का तकरीबन 2-3 घंटों के बाद रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन जो आइट्स होता है, आइट्स का आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, कंप्यूटर टेस्ट देना पड़ता है, पैराग्राफ देना पड़ता है, तकरीबन 1 वीक के बाद आपका जो वो बुलाएंगे आपके इंटरव्यू के लिए, वो मतलब लंबा चलता है काम। तो
ये था आइट्स। आइट्स में भी मैंने अभी जैसे आपको बताया, ये थे रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये चार मॉड्यूल होते हैं। तो वो कहते हैं कि आइट्स में जो राइटिंग का मॉड्यूल है वो, जैसे पीटी में रीडिंग का मॉड्यूल डिफिकल्ट होता है, ऐसे आइट्स में जो राइटिंग का मॉड्यूल है वो डिफिकल्ट होता है। तो वो आगे आप पे डिपेंड करता है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं, तो आप उस हिसाब से करें। अगर मैं तो यही आपको मतलब आपको मशवरा दूंगा, अगर आप आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया तो आप पीटी ही करें, क्योंकि आप पीटी में अपना डिजायर स्कोर इजीली हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो बस यही था। और आर्ट्स के बारे में दर्शाना है इसलिए नहीं इतना ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। पीटी के बारे में मेरा नॉलेज था, वो मैंने आपको बता दिया। तो यही था। और अगर आपको और भी पीटी के बारे में या फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो मैं इधर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट मेंशन कर दिया, उधर आप मुझे एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, तो मैं प्रॉपर हर वीक आपसे कोशिश करूँगा। बहुत भाइयों का इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, तो मैं हर एक का प्रॉपर यानी रिप्लाई नहीं कर सकता, तो ना टाइम नहीं होता इतना। तो आप मैसेज छोड़ दिया करें, हर वीक के बाद आप सबको मैं अपनी जो होगी नेक्स्ट यूट्यूब की वीडियो होगी उसमें आपके हर सवाल पढ़ के आपका जवाब यूट्यूब की वीडियो के थ्रू दिया करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काम आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और दूसरों के साथ, जो दोस्त बाहर जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चीज़ पे आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके मुझे लाजमी बता दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहेगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।